गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेटामॉर्फोसिस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और आज मैं हूं एक बहुत शानदार जगह पे, जागेश्वर में एक आगे 7-8 किलोमीटर आगे नैनी नाम की एक जगह है, वहीं एक रिजॉर्ट पे मैं ठहरा हुआ हूं। और ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो रात दिन इस तरीके से काम करते पढ़ाते हैं, कुछ रिजूवनेट करना, कुछ सोचना और कुछ काम करना। तो अब आप लोगों के लिए मैं छोटी छोटी कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि किन को तैयारी करनी चाहिए और किन को नहीं, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं तैयारी से रिलेटेड वो जान लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बैच हो रहा है उसकी फाइनल डेट डिसाइड हो गई है और 20 जून से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और वहाँ पर मैं आज 3:30 बजे डैमो वीडियोज़ डालने वाला हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। LT का बैच हो चाहे लेक्चरर, लिंक ज्वाइन करें और 3:30 या 4 बजे आपके पास डैमो वीडियो आएंगे और उसके बाद प्रोसेस भी बता दी जाएगी सारी चीज़ें। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अब जो मैं आज आपके सामने बात लेकर आया हूँ उस पर बात करते हैं। बात यह है कि कुछ लोग जो BEd कर रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि तैयारी करें या नहीं करें। उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये उनको मदद भी करेगा आगे, और वो CTET भी निकालेंगे तो तब तक वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं तैयारी कर सकता हूँ। अब बात यह है कि जो हमारा LT का कोर्स है उसके बारे में कुछ छोटी सी बात बताऊँगा और थोड़ी सी लेक्चरर के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरा एक पुराना वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर उत्तराखंड LT एग्ज़ाम एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चर्स एग्ज़ाम। देखिए, LT के एग्ज़ाम के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि LT और लेक्चरर में सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये है लोगों को कि हम अगर दोनों दे रहे हैं तो हमें सबसे पहले कौन से की तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक तैयारी दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और कोई भी चीज़ अलग नहीं होती, लेकिन फिर भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप स्टेप वाइज पूछना चाहते हैं तो LT एक ऐसा माध्यम है जो एक छोटा सिलेबस ज़रूर है लेकिन वो ब्रॉड है और उससे आपको बैकग्राउंड और काफ़ी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे LT की तैयारी करनी चाहिए लेक्चरर की, तो आप LT ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने LT में और अच्छी एजेज और बैकग्राउंड की आपको पूरी पहचान है तो आप लेक्चरर की कर सकते हैं। तो ये तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया। दूसरा, LT में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप लेक्चरर में जाएंगे तो ऑथर बेस्ड है, तो अगर आपको बैकग्राउंड की पूरी जानकारी होगी, लिटरेरी टर्म्स की जानकारी होगी, तो ऑथर बेस्ड को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा, लिटरेचर ज़्यादा गहरा LT में है बजाय लेक्चरर के, क्योंकि वहाँ पर ऑथर्स हैं और उनके ही बारे में माइन्यूट डिटेलिंग करनी है जो हम रिसर्च करके यहाँ पर पूरी कर देते हैं। अब अगर ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि LT और लेक्चरर की पहले करनी है, तो कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैंने तो दोनों करनी है, अगर ये बाद में करूँगा तो कहीं लेक्चरर का एग्ज़ाम पहले आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ कनेक्टेड होते हैं और ख़ासकर हम जो तैयारी कराते हैं उसमें सब चीज़ इंटरलिंक्ड कराते हैं। अगर आप LT भी कर रहे हैं तो इतना बढ़िया आपको कोर्स की प्रिपरेशन कराई जाती है कि वो लेक्चरर के साथ भी इंटरलिंक्ड होने लगता है और वहाँ जाके आपको बहुत आसानी होती है। दूसरा, जो लोग हमारे वहाँ LT करते हैं उनको लेक्चरर में हम बहुत डिस्काउंट भी देते हैं, जिससे कि क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा चीज़ें उनको वहाँ पर करवा दी हैं। यहाँ पर हमें स्ट्रेंथन करना है ग्रामर का पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन का और लेक्चरर का, तो ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से साथ चल सकती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे पास, बल्कि 50% 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों कोर्स को एक ही साथ ऑफर कर लिया है, तो आप दोनों को भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग मुझे और फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और फ़ोन जब भी आप करें तो सुबह 11 बजे से शाम के 4:30 बजे तक करें, उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस में होता हूँ और सुबह भी ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में होता हूँ। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि विच कोर्स इज़ टू बी जॉइन बाई मी एंड वट आर द पिक्यूलियरिटीज़ ऑफ द कोर्सेज, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी एंड यू मे टॉक टू मी। आजकल मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिग्नल अच्छे नहीं हैं। हाँ, कल से मैं अवेलेबल हो जाऊँगा क्योंकि कल मैं हल्द्वानी वापस लौट जाऊँगा। देखिए, जाने से पहले मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। देखिए कितना अच्छा व्यू है घाटी में, जरा लुक हेयर, ये देखिए घाटी जो दूर दूर तक फैली है, और यहाँ से हम 3-4 पहाड़ों की रेंज देख सकते हैं और चारों ओर आप देखिए गांव का भी
आपके घर दिख रहे हैं धुआं उठते हुए, लोग काम कर रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जो बहुत शानदार लोकेशन में है, जहाँ से आप नैनी तक पूरा देख सकते हैं 15 या 17 किलोमीटर दूर तक। और ये ऊपर पहाड़ों और घने जंगल से फैली हुई पूरी रेंज, और ये देखिए इधर पूरा बुरांश और देवदार से घिरा हुआ जंगल है। बहुत ठंडी, यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। और जागेश्वर से 8 किलोमीटर कहीं पर, 8 या 9 किलोमीटर दूर ये आपको मिलता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा, और आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे। फिर से हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आशा है कि आप लर्न कर रहे हैं और मेटाफोर्सिस को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो करते रहिए। मिलते हैं आपको फिर से नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।